हेलो गाइस, वेलकम टू टिश टू टेक। आज हम बात करेंगे यूट्यूब के एसईओ के बारे में। एसईओ मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो क्या होता है? ऐसे नहीं कि यूट्यूब पे क्या एक बटन है एसईओ करके, आप उसको क्लिक करके आप एक्टिवेट कर लो, आपका चैनल एसईओ में चला जाएगा, रैंक में आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। एसईओ मींस आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हो, आज के डेट में उस वीडियो का रैंक कितना है, वैल्यू कितना है, उसके लिए आप किस टाइप का टैग डाल रहे हो और डिस्क्रिप्शन में आप क्या क्या चीज लिख रहे हो, और यूट्यूब का जो सेटिंग होता है, मतलब किस कैटेगरी का होता है, वो जो कम्युनिटी गाइडलाइन क्या होता है, सारे चीज को फॉलो करके सेटअप को अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका वीडियो रैंक होना शुरू हो जाएगा, तब आपको एसईओ अप्रूवल हो जाएगा। एसईओ होने से क्या होगा, आपका हर वीडियो रैंक में आना शुरू हो जाएगा। सारा चीज होता है उसमें, आप उस पर ध्यान पर रख के आज हम एक थोड़ा सा यूट्यूब का सेटिंग के बारे में बात कर लें, जो कि क्रिएटर का सेटिंग होता है, उसको आज कैसे क्या करना है सारी चीज बात करेंगे इस वीडियो में। ओके, वीडियो पे बनते रहो। मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर चुका हूँ, साइड पे हर चीज आता होगा। अभी आपको पहले क्या करना है, किसी भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, जैसे कि मैंने अभी क्रोम यूज कर रहा हूँ। आप किसी भी ब्राउजर पे जा सकते हो, उसमें आपको क्या करना है, studio.youtube.com करके सर्च कर सकते हो। सर्च करने से आपको studio.youtube.com पे पेज पे चला जाना है, देन जाके आपको आपका चैनल पे लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने से आपको इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देगा, देन आपको क्या करना है, सेटिंग, नीचे से एक सेटिंग के ऑप्शन है, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, सारे डिटेल्स पूरा सेटिंग के बारे में बात करते हैं। ओके, पहले आपको क्या करना है, सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ओके, सेटिंग को क्लिक करने से आपको इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देगा। फर्स्ट में क्या आता है, जनरल पे आप करेंसी सेटिंग कर सकते हो। आप किस कंट्री पे रहते हो, कंट्री वाइज आपको करेंसी सेटिंग करना पड़ेगा। मैं सपोज इंडिया में रहता हूँ तो INR है, बट अभी तक INR अवेलेबल नहीं है, तो हम USD सिलेक्ट करते हैं। देन अभी आप चाहते हो किसी अलग से कंट्री का, बहुत सारे कंट्री का करेंसी है, आप जिस भी कंट्री का चाहते हो तो करेंसी वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। देन सेकेंड में आता है चैनल। ओके, चैनल में क्या होता है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका कंट्री सिलेक्ट कर सकते, कंट्री और रेसिडेंसी किस जगह पर रहते हो, और सारी चीज इंडिया मैंने सिलेक्ट किया, आप जिस कंट्री पर रहते हो सिलेक्ट कर सकते हो। देन टैग वगैरह क्या होता है कि आप किस कैटेगरी पे वीडियो बनाते हो, आप आपका कंटेंट क्या है, उसके वाइज आप टैग्स डाल सकते हो, और सारे टैग्स डालने से आपका वीडियो रैंक आएगा। सपोज आपका कुकिंग का चैनल है, तो अब जिसका जो मिलियन पे व्यू होगा, जिस कुकिंग यूजर का उसी का नाम आप यूज कर सकते हो। हर चीज अभी जो एक एप्लीकेशन है वो आप ट्राई कर सकते हो, मैं आगे जाके सारे चीज बात करूंगा। आप पहले आपको वो टैग्स बारे में डालना, कुछ भी टैग आप डाल सकते हो कि जो आप हर आपका जो वीडियो में जो डालना चाहते हो, कि आपका चैनल में चैनल वाइज टैग्स डाल सकते हो। ओके, देन आ गया अर्बन सेटिंग में क्या है कि आप जब वीडियो अपलोड करते हो तो वो यस इज फॉर किड्स या नो फॉर किड्स, आप किड के लिए डाले तो आप किड्स सिलेक्ट कर सकते हो, आप किड के लिए नहीं हर किस के लिए डाल सकते हो, इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, ओके वो डाल सकते हो। और नीचे में जो थर्ड नंबर अवॉइड रिव्यू, मतलब आप जब वीडियो अपलोड करोगे तब आपको वो डालना है, आप वो पूछेगा कि आप किस कैटेगोरी में वीडियो डालना चाहते हो, तब आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी से थर्ड नंबर सिलेक्ट करने से फर्स्ट टू दो लाइन शो करेगा जब आप वीडियो अपलोड करोगे, अभी से आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आप हर वीडियो में ऑटोमेटिक ले लेगा। ओके, ऐसे होता है। देन ऑटोमेटिक कैप्शन का मतलब क्या होता है, वीडियो में यूट्यूब पे जो वीडियो ऑलरेडी है आप उसी को डाउनलोड करके फिर आपका यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हो, तो आपको ऑटोमेटिक कैप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सब्सक्राइबर काउंट मतलब जो आपका वीडियो के चैनल के नीचे जो सब्सक्राइबर शो करता है, आप उसको सिलेक्ट करने से आपको दिख पाएगा, यूजर को दिखेगा कि आपका चैनल में कितने सब्सक्राइबर है, बट उसको ऐसे छोड़ देने से विदाउट क्लिक पे शो नहीं करेगा, वो हाइड रहेगा। मतलब मेरा सजेशन ऐसा है कि आपका जब 5K 10K ऐसे सब्सक्राइबर हो जाएगा, देन आप उसको क्लिक करके शो कर सकते हैं। ओके, ऐसे होता है। और एडवर्टाइजमेंट क्या होता है कि आपका जो चैनल, जिस कैटेगरी का चैनल है उस पर क्लिक करने से, सपोज मेरा टेक्नोलॉजी का चैनल है तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड एड मेरा यूजर को शो करेगा, मेरे चैनल पे जो यूजर होता है उसको शो करेगा। ओके,
सपोज मेरा ई कॉमर्स का चैनल है तो मैं इसको क्लिक करने तो ई कॉमर्स जैसा जैसी शो करेगा। जैसे कि अभी मेरा टेक्नोलॉजी है, मैं इसको क्लिक कर लूँगा तो मेरे को ओनली टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐड आएगा, जैसे कि होस्टिंग का जो होता है, डोमेन जैसा, एप्लीकेशन रिव्यूज, जो सारी चीज़ आता आएगा। बट उसको हम ऐसे रखने से हर चीज़ का कोई भी ऐड आ सकता है। ओके, देन आपको क्या करना है, फ्यूचर एलिजिबिलिटी। फ्यूचर एलिजिबिलिटी क्या होता है, देखिए फ्यूचर एलिजिबिलिटी मतलब हर वीडियो का, हर क्रिएटर का सेटिंग्स होता है और कम्युनिटी गाइडलाइन में वो आता है। देखिए क्या आता है, स्टैंडर्ड फ्यूचर। स्टैंडर्ड फ्यूचर का मतलब आप जब एक चैनल क्रिएट करोगे तब आपको क्या क्या मिल जाएगा। देखिए आपको क्या क्या, आप वीडियो अपलोड करते कर पाओगे, प्लेलिस्ट क्रिएट कर पाओगे, जो सारे चीज़ें और आप सारे चीज़ कर पाओगे। ओके, सेकेंड नंबर पे आता है कि इंटरमीडिएट फ्यूचर। इंटरमीडिएट फ्यूचर मीन्स आपको वो सारे चीज़ मिल पाएगा जो आपको एक मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। आपका जो नंबर है आप यूट्यूब पे उसी अकाउंट पे आएगा, आपका नंबर वेरीफाई कर पाओगे। नंबर पर वेरीफाई करने से आपको क्या मिलेगा, आपको 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर पाओ, आपका वीडियो सपोज 16 मिनट 7 मिनट वो अपलोड कर पाओगे, कस्टम थंबनेल अपलोड कर पाओगे, सारी चीज़ आप जिस चीज़ दिख रहे हो सारी चीज़ आप कर पाओगे वहाँ पे। लास्ट में आता है कि एडवांस फ्यूचर। एडवांस फ्यूचर पे क्या होता है, सपोज जब आपका 1K सब्सक्राइबर 4K 4000 हर टाइम हो जाएगा, 4K हर टाइम हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको एडवांस फ्यूचर पा पाओगे। एडवांस फ्यूचर में क्या है, क्रिएट लाइव स्ट्रीमिंग डेली कर पाओगे, अपलोड मोर वीडियो डेली, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर पाओगे, सारे चीज़ जितने भी सारी चीज़ दिख रहे हो वो सारी चीज़ कर पाओगे। कब कर पाओगे, जब आपका 1K सब्सक्राइबर 4K वॉच टाइम वॉचर्स हो जाएगा तब आप कर पाओगे। ओके, देन आप हम चलते हैं कि अपलोड डिफॉल्ट में। देखिए अपलोड डिफॉल्ट में क्या होता है कि मैं तो लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ हर चीज़, फिर से बता लेता हूँ। अपलोड हर चीज़ अपलोड डिफॉल्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप सपोज जो चीज़, सपोज आप जो वीडियो अपलोड करते हो कुछ ऐसे पार्ट होगा जो हर वीडियो के लिए यूज कर सकते हो, जैसे कि आपका टेलीग्राम लिंक्स, इंस्टाग्राम लिंक्स, फेसबुक लिंक्स, सारे चीज़ वो आप डाल सकते हो, क्योंकि आपको फिर से हर वीडियो के लिए अलग अलग डालना नहीं पड़ेगा, एक बार डालने से सारी चीज़ ऑटोमेटिक ले लेगा। और कुछ टैग वगैरह भी होता है, जैसे कि लास्ट में आता है टैग वगैरह आता है कि आप टैग वगैरह भी डाल सकते हो जो कि आप हर वीडियो में यूज करना चाहते हो, वो डालने से आपको फिर से वो डालना नहीं पड़ेगा। आप जिस चैनल के जो जिस टॉपिक के वीडियो बना रहे हो वो आप डाल सकते हो, फिर एडिट में डाल सकते हो, और मतलब उसी में जो डालना है आप हर वीडियो में शो करेगा, ऑटोमेटिक ले लेगा। ओके, और आपको जो टाइटल नहीं लिखना है, हर वीडियो का टाइटल अलग होता है, बस हो गया। देन एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में क्या होता है, देखिए आप स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस। स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस क्या होता है, वो यूज करने से आप किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हो, बट आप स्टैंडर्ड कमेंट्स वो यूज क्रिएटिव कमेंट्स करने से आप सपोज आपका वीडियो कोई कुछ पार्ट्स यूज करे तो आपको उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाल सकते हैं, आप उसको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दे सकते। उसके लिए मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा वो क्या होता है। ओके, आप किस कैटेगरी का, आपका जो कंटेंट है किस कैटेगरी का था, एजुकेशन, जो भी है, म्यूजिक, फैट एनिमल्स, स्पोर्ट्स, सारी चीज़ आप वहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, हिंदी इंग्लिश आपका कंटेंट किस टाइप का है, सारे चीज़ आप डाल सकते हो, कमेंट अलाउ, कमेंट मतलब हर किसी ने कमेंट दे सकते हैं, सारे चीज़ आप उधर देख कर सकते हो। ओके, हो गया। देन परमिशन। परमिशन मतलब सपोज आपका आप चैनल का आप एडमिन हूँ, मैं एडमिन हूँ, मैं किसी को कुछ एडिट करने के लिए दूंगा। देखिए मैं बताता हूँ, इनवाइट पे क्लिक करता हूँ। इनवाइट पे क्लिक करने से देखिए सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ। आप सपोज मैनेजर, आप किसी को मैनेजर बनना चाहते हो, आपका चैनल को दिखेगा क्या करना है उसको, मैनेजर वाइज जो करना है उसका मेल एड डाल दोगे, आपको वो चैनल वो एसेस कर पाएगा, आपको उस मेल पे एक लिंक जाएगा, वो चैनल को क्लिक करके वो कर। आप किसी को एडिट करना है वीडियो का, आपका टीम चैनल बड़ा हो जाएगा तब आप किसी को पार्ट पार्ट वाइज काम करने के लिए दे सकते हो, कोई एडिट करेगा तो वो एडिट कर सकता है। हर कैटेगरी अलग अलग मेंबर आप ऐड कर सकते हो इनवाइट करके, उसका काम ऐसे होता है। ओके, परमिशन का। देन आता है कम्युनिटी। देखिए कम्युनिटी का काम क्या होता है, देखिए
मॉडिटर्स फास्ट वर्नर उसमें क्या होता है, सपोज आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, आपको कोई कमेंट दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप एक चैनल का, किसी का चैनल का भी लिंक दे सकते हो, आपका जो टीम मेंबर का होगा वो क्या करेगा, उस जो कमेंट आता होगा उसको डिलीट कर पाएगा, एडिट कर पाएगा, हर चीज जो चाहे वो कर पाएगा। और एक नीचे वाला था एवरी फ्यूचर्स का मतलब क्या होता है, सपोज कोई कमेंट कर रहा है, कुछ गलत कमेंट कर लिया है, तो कुछ कर लिया, तो आपके आपका जो यूजर्स, आपका जो भी मेंबर में होता है उसका आप चैनल लिंक दे सकते हो, वो देने से क्या होगा, वो जो भी कोई भी कुछ कमेंट करेगा तो वो अप्रूवल देगा, अच्छे कमेंट होगा तो अप्रूवल दे सकते हैं, यस करके अप्रूवल दे, नहीं तो डिलीट कर सकता है। ओके, हाइड यूजर्स, हाइड कर सकता है यूजर को, उसको कुछ भी कमेंट वगैरह कुछ सोने करेगा। और ब्लॉग वर्ड्स मतलब कुछ गलत वर्ड होता है, इस यू कोई भी कमेंट में नहीं डाल सकता, वो वर्ड डालने से किसी को वो वर्ड शो नहीं करेगा। ओके, देन अदर ब्लॉग लिंक्स, आप किसी को ब्लॉग कर सकते हो, इसको वीडियो ही शो नहीं करेगा, कुछ भी आप स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम करें तो उसको कुछ भी शो नहीं करेगा, अब ऐसे होता है। देन लास्ट में आता है एग्रीमेंट, सॉरी कम्युनिटी में, और एक है डिफॉल्ट पे ऑल अलाउ कमेंट्स, सारी चीज हर कोई कमेंट कर सकता है। डिफॉल्ट का मतलब जो वीडियो अपलोड कर रहे हो उसमें कोई कमेंट चाहे तो कर सकता है, जो लाइव स्ट्रीम कर रहे हो कमेंट कर सकता है, ओल्ड जो भी सारी चीजें क्या लिखा है, ऑल पोटेंशियल इन्फॉर्मेटिव कमेंट्स फॉर रिव्यू, रिव्यू के लिए जा सकता है। आप जो बात कर चुके हैं रिव्यू, आपका सपोज कोई कमेंट दे रिव्यू के लिए गया, देन अप्रूवल हो जाएगा, शो करेगा, ऐसे होता है, सारी चीज़ें ऐसे होता है। ओके, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अभी आप सपोज आपको वो सिलेक्ट करना है कि जो सेकेंड सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपका अप्रूवल होने से सही होगा, कोई बैड रिव्यू नहीं आएगा आपका चैनल पे। ओके, देन एग्रीमेंट्स, कोई भी एग्रीमेंट्स अच्छे से नहीं पढ़ता, बट मैं बोलता हूँ कि आपको सारे चीज़ एग्रीमेंट को सारे चीज़ आप एक बार पढ़ लीजिए, क्या है कम्युनिटी गाइडलाइन वगैरह, क्या क्या करना पड़ेगा, सारे चीज़ आप एक अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आप वीडियो बनाना शुरू कर लीजिए। ओके, वो सारी चीज़ आपको अच्छे से पता चल चुका होगा, अभी मैंने थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन किया हर पार्ट। हम आगे जाके जो सेटिंग पे सारे चीज़ होता है, जैसे कि जनरल, परमिशन, कम्युनिटी, हर चीज़ को एक एक टॉपिक को आराम से एक्सप्लेन करेंगे, अलग अलग पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अभी मैंने ओवरव्यू दे दिया कि क्या क्या होता है सेटिंग में, आप उसको आराम फॉलो कर लीजिए। ओके, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताने को मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, टू सब्सक्राइब, लाइक, थैंक यू सो मच।